अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीर अहमद राणा और आप देख रहे हैं हम प्लस टीवी। दोस्तों, सरहद पार भारत में कयामत सुग्रा बरपा है। कोरोना वायरस ने राजधानी दिल्ली, यूपी और राजस्थान समेत भारत के दर्जनों बड़े शहरों में लाशें बिछा दी हैं। टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोस देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे अस्पतालों के बाहर वबा में मुब्तिला मरीज मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। एक एक बिस्तर पर दो दो मरीज लिटाने के बावजूद वार्ड्स में गुंजाइश नहीं। तिब्बी अमला और डॉक्टर कम पड़ गए हैं। हत्ता के निजी अस्पतालों ने भी नए मरीज दाखिल करने से इनकार कर दिया है। हफ्ते के रोज भारत में कोविड 19 के 3,46,000 से जायद नए केसेस सामने आए हैं। ये एक ही रोज में किसी भी मुल्क में कोरोना केसेस का आलमी रिकॉर्ड है। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि अस्पतालों ने तिब्बी आलात और ऑक्सीजन की फरहमी के लिए अदालतों से रिजू कर लिया है। इदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में हफ्ते के रोज कोरोना वायरस के 8,90,000 नए केसेस सामने आए थे। इस तनासुब से देखा जाए तो दुनिया में कोरोना की लपेट में आने वाला हर तीसरा शख्स भारतीय शहरी है। इसी तरह 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना से रिकॉर्ड 2,624 अमवात भी हुई, जिसके बाद भारत में मजमुई अमवात की तादाद 1,90,544 हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक शमशान घाटों में लकड़ियां और कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो गई, जबकि इज्तमाई चिताएं जलाने वाली भट्टियां भी मुसलसल जलाए जाने के बायस पिघलने लगी हैं। यह हालात देखते हुए बरतानिया ने भारत को भी रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। कुवैत और ईरान ने भारत से फिजाई सफर पर गैर मुइना मुद्दत तक पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही भारत पर सफरी पाबंदी आयद कर चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी कोरोना खौफनाक हद तक बेकाबू हो रहा है। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल ने मजीद मरीजों को दाखिल करने से माजरत कर ली है। वफाकी दारुल हुकूमत में फौज बुला ली गई है जो शहरियों को पाबंद करेगी कि वो कोरोना SOPs पर अमल कैसे करें। मुंह पर मास्क पहने, जिस्मानी फासले का ख्याल रखें, जो वक्त हुकूमत ने मुकर्रर किया है इस पर अपना कारोबार बंद करें। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करना हर बाशऊर इंसान खसूसन मुसलमान का फर्ज है। हमारा दीन अपनी जान की हिफाजत का हुक्म देता है, लेकिन अफसोस के वतन अजीज में इस फरीजे पर अमल दरामद के लिए भी फौज तैनात करनी पड़ रही है। वाज़ह है कि भारत में रक्स अजल की बड़ी वजह एहतियाती तदाबीर को पसे पुश्त डालना ही रहा। तिब्बी माहरीन के इंतबाह के बावजूद 2 माह तक जारी रहने वाले कुंभ मेले की इजाजत दे दी गई। इसी दौरान लाखों हिंदुओं ने पूतर स्नान किया। सिर्फ बुध के रोज कुंभ मेले में शरीक यात्रियों की तादाद 60 लाख से जायद थी। देश के कोने कोने से रोजाना आने वाले लाखों यात्री अपने अपने इलाकों में कोरोना वायरस लेकर पहुंचे। नतीजा ये कि दर्दनाक मौत से बचने की खातिर हर मालदार भारतीय शहरी भारत माता छोड़कर भाग रहा है। इस मुल्क का हाल ये है जो कोरोना वैक्सीन बना रहा है, जहां सैनिटाइजर मसनुआत और मास्क का महाना बिजनेस अरबों रुपए से तजावज कर चुका है, लेकिन एक अहम तरीन चीज का ख्याल नहीं रखा गया। जिस्मानी फासला रखने की परवाह नहीं की गई और अवामी इज्तमात से परहेज नहीं करता गया। अब आ जाइए रकबे और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की जानिब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तशवीशनाक सूरत हाल देखने के बावजूद सूबाई और शहरी हुकूमतें कराची में जारी फूड कुंभ मेले खत्म कराने में नाकाम हैं। शहर कायद में जा बजा कायम फूड स्ट्रीट्स ऐसे बमों की तरह हैं जिनकी पिन निकाली जा चुकी है। किसी भी वक्त ये कोरोना बम फट सकते हैं। इस हवाले से चंद मकामात इंतहाई हसास हैं। इनमें बंस रोड, सदर यूनाइटेड बेकरी वाली सड़क, हुसैनाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और खारा दर की फूड स्ट्रीट्स सरे फहरिस्त हैं। ये वो मकामात हैं जहां SOPs की धज्जियां सरेआम बिखेरी जा रही हैं। हकूमती अहकामात को बालाए ताक रखते हुए हजारहा शहरी मास्क और जिस्मानी फासले की पाबंदियां रोंदते हुए रात रात भर बैठे खुश जायका खानों और खुश गप्पों से दिल बहला रहे होते हैं।
ऐसा नहीं कि पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारे आंख बंद करके बैठे हैं। जी नहीं, यहाँ रात को पुलिस मोबाइलों का डेरा भी देखा जा सकता है। ये और बात है कि कानून के रखवाले कानून की पामाली का मुनासिब तावान लेने आते हैं। इसके अलावा शहर के दर्जनों इलाकों में शहरी तक खुले रहने वाले चाय खाने और होटल भी कोरोना सिक्योरिटी रिस्क बने हुए हैं। समझ नहीं आता कि सूबाई हुकूमत चाहती क्या है। इन फूड कुंभ मेलों में शहर के कोने कोने से लोग आते हैं। अगर कोई एक मकाम भी कोरोना ज़दा हो गया तो खाकम बदहन चंद रोज में पूरे कराची में ये मूजी वबा फैल जाएगी। जबकि शहर के अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का क्या हाल है, ये किसी से पोशीदा नहीं। असल हैरत और अफसोस तो बेहिस अवाम पर है। क्या सोच कर वो माह मुबारक में कहरे खुदावंदी को दावत दे रहे हैं, बजाय इसके के बिला जरूरत घर से ना निकलें, अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाएं कि या रहीम या करीम हमारे वतन और पूरी दुनिया को इस अजाब से जल्द निजात दिला दे। वो अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने पर तुले हुए हैं। क्या वो इस बात के मुंतजिर हैं कि खुदा ना खास्ता यहाँ भी भारत जैसी अजीम आफत टूट पड़े कि लाशों को ठिकाने लगाना भी एक बड़ा मसला बन जाए। तो दोस्तों, हकूमती अहकामात को मद्देनजर रखते हुए जिस्मानी फासला और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले, ताकि कोरोना जैसी मूजी वबा का मुकाबला किया जा सके। हमारे हम प्लस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप दोस्तों तक पहुंच सके। और वीडियो को सदका जारिया समझते हुए दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।